डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज कल्पना नामक महिला ने अपने पुलिस में तैनात पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा। महिला का कहना है कि मेरठ शामली के थाना ऊंचा गांव किराना निवासी संदीप से करीब 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जो कि पुलिस में कांस्टेबल है। वर्तमान में वह थाना हस्तिनापुर मेरठ में नियुक्त है। संदीप ने शादी के कुछ वक्त बाद से ही अपनी पत्नी के साथ गलत तरीके से पेश आना शुरू कर दिया था। पीड़िता ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले उसका पति अपना ट्रांसफर दूसरी जगह होने का झूठ बोलकर गायब हो गया। 1 महीने से कॉल नहीं लगने और घर ना आने पर महिला जब थाना पहुंची तो पता चला कि उसका पति पत्नी की डिलीवरी होने के नाम पर अवकाश लेकर गया हुआ है, जिस पर पत्नी ने कहा कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई बच्चा हुआ है। और इसी के साथ अपने पति पर दूसरी शादी के आरोप लगाते हुए कल्पना ने उसके खिलाफ आज SSP ऑफिस पर शिकायत दर्ज की। देखिए, सर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, सर दूसरी शादी कर रखी है उन्होंने, और उसके शिकायत पत्र देने के लिए आई हूँ मैं। क्या नाम है हस्बैंड का? संदीप कुमार। क्या करते हैं? पुलिस में ही है सर वे। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ का ये मामला? मैं ऊंचा गाँव के रहने वाली हूँ, शामली जिले की, और मेरठ में उनका पोस्टिंग है, हस्तिनापुर में था, पुलिस लाइन में है वे। क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या कहते हैं आपसे? वे कहते हैं मैं तुझे नहीं रखूंगा, उसी को ही रखूंगा जो मैंने दूसरी कर रखी है, और उसके 30 तारीख में 30 मई में एक लड़की भी हुई है, और उसी के उसमें वे छुट्टी लेकर गए थे उपार्जित अवकाश डिलीवरी के लिए, जो दूसरी पत्नी है। आपकी शादी को कितना साल? 8 साल हो गए करीब। तो आपको कैसे पता लगा? मुझे झूठ बोल रहे थे कि मेरा पोस्टिंग बलिया में हुआ है, और ऐसा करके कि मैं घर नहीं आ सकता, तो फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, और 1 महीने से उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, और फिर मैंने थाने में जाकर, जहाँ उनका पहला पोस्टिंग था, थाने में जाकर पता करा, तो वहाँ से पता चला कि उनका पोस्टिंग यहीं पे ही है, और वे छुट्टी लेकर गए हुए हैं डिलीवरी के संबंध में। और सर ना तो मैं गर्भवती हूँ, ना मेरा कोई बच्चा हुआ, तो उनके दूसरी पत्नी है, गजरौला में रहती है वो। क्या नाम है उसका? तो नहीं पता, ना मुझे पता नहीं उसका। कब पता चला? अभी मुझे 6 महीने पहले पता चला है। किस थाने में एप्लीकेशन लगाई थी आपने? मैंने हस्तिनापुर थाने में भी गई थी मैं, फिर SP के यहाँ भी गई, DGP के यहाँ भी गई, सब आश्वासन देते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। आज आप यहाँ आई हैं? आज यहाँ पे भी मैं कई बार आ चुकी हूँ, और अब भी आई हूँ। अब भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को आना, आश्वासन देते रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। कितना समय हो गया आपको चक्कर काटते? 5 महीने हो गए मुझे चक्कर काटते काटते। आपकी शादी को कितना समय हो गया? करीब 8 साल। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV।